दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। चलिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूँ जी हाँ, वो भी अजय देवगन से जुड़ी हुई। 29 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अजय देवगन ने कभी भी यशराज फिल्म के साथ हाथ नहीं मिलाया है, ना तो उनके साथ काम किया था, लेकिन 29 साल बाद अजय देवगन हाथ मिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य चोपड़ा के साथ हाथ मिला रहे हैं अजय देवगन और साइन कर ली है एक अच्छी खासी फिल्म। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस जो डायरेक्टर है राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल, और शिव रवेल की डेब्यू फिल्म होने वाली है। इसकी हीरोइन क्या है, कौन है, अभी तक नहीं पता। और कहा जाता है इसके पहले कि अक्षय कुमार को शायद साइन करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फिल्म के लिए अजय देवगन ही होने वाले है और ये पहली बार होगा यशराज के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा था कि बहुत सालों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इश्यूज थे यश चोपड़ा के और अजय देवगन के। और आपको याद हो या ना, आपको सबसे पहली फिल्म का किस्सा बताता हूँ अजय देवगन की। लम्हे जब आई थी और अजय देवगन की फूल और कांटे आई थी, वो दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। तो मेरे ख्याल से तब से ये इशू हुआ, जब से पता नहीं, लेकिन हाँ उस समय से इशू जरूर था। लेकिन 2 साल पहले दोनों ने हाथ मिला लिया वायरफ और अजय देवगन ने, और अभी फिल्म आ रही है। और जो यश चोपड़ा के 50th बर्थडे पे यश चोपड़ा के जो बर्थडे आता है 27 सितंबर को, उस दिन जो 85वीं वर्षगांठ होगी वायरफ की, तब ये अनाउंस होने वाली है। इसके अलावा शाहरुख खान दीपिका के साथ एक जो फिल्म है वो अनाउंस हो सकती है, और इसके अलावा एक विकी कौशल के साथ एक फिल्म है वो अनाउंस हो सकती है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। सलमान खान की टाइगर 3 भी अनाउंस होगी, यानी 3 से 4 फिल्मों का लेखा जोखा भी साफ साफ नजर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लेकिन हाँ, ये साफ हो चुका है कि खान जो स्पेशलिस्ट शाहरुख खान का या फिर शाहरुख खान, आमिर खान ये सब के साथ जो वायरफ काम करता था, अब उन्होंने अपनी लीग बढ़ाते हुए अब अजय देवगन को साइन कर लिया। कितने खुशी इस खबर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।